नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपुल राजपुरोहित और स्वागत है आपकी अपनी चैनल विपुल एजुकेशन में। दोस्तों, आज से हम कक्षा 8 की बुक से प्रश्नोत्तरी स्टार्ट कर रहे हैं और हमने जो है इसका पहला जो पाठ चुना है वो है भारत की स्थिति एवं विस्तार एवं भौगोलिक प्रदेश, जो कि कक्षा 8 की बुक्स में नाम है इसका हमारा भारत। तो दोस्तों, आज मैं इससे संबंधित आपके लिए 20 क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि इस पार्ट से मैंने बनाए हैं और आपको बहुत अच्छे लगेंगे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। आप जो है वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। और दोस्तों, आप अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगी। अभी इसे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखो, पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पर्वत भारत की उत्तर पश्चिम दिशा में नहीं है? ए किरथर, बी सुलेमान, सी हिमालय, डी हिंदुकुश। तो दोस्तों, आपको बता रहे कि भारत की उत्तर पश्चिम दिशा में कौन सा नहीं है। तो दोस्तों, इसमें देखो जो आपके किरथर है ये तो है, सुलेमान भी है और हिंदुकुश भी है, लेकिन जो हिमालय है दोस्तों ये आपके उत्तर पश्चिम में नहीं होकर उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। तो इसका उत्तर होगा सी हिमालय। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। दक्षिण भारत के बारे में सत्य कथन है, ए यह एक प्रायद्वीप है, बी इसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, सी पश्चिम अरब सागर है और डी सभी। तो दोस्तों, ये तीनों बातें सही है कि दक्षिण भारत एक प्रायद्वीप है, इसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, इसके पश्चिम अरब सागर है और इसके दक्षिण में हिंद महासागर भी है, और ये तीनों बातें सही है, तो डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, यदि हिमालय पर्वत नहीं होता तो क्या होता? ये एक प्रश्न बनाया गया मैंने कि यदि हिमालय पर्वत नहीं होता तो क्या होता। ए भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा नहीं हो पाती, क्योंकि भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा कराने में सबसे ज़्यादा सहायक हिमालय है, जो भी ठंडी हवाएं आती है वो इससे टकरा कर वहाँ पर वर्षा करती है। तो पहला कारण, अगर हिमालय नहीं होता तो वर्षा नहीं होती। दूसरा प्रश्न, साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाएं सीधे प्रवेश कर देती है, यानी साइबेरिया से आने वाली जो ठंडी हवाएं हैं उनको हिमालय रोक लेता है, अगर हिमालय पर्वत नहीं होगा तो वो सीधा प्रवेश कर जाएंगे। तीसरा, भारतीय उपमहाद्वीप एक विस्तृत मरुस्थल होता। हाँ, अगर आपके हिमालय नहीं होता तो भारतीय उपमहाद्वीप विस्तृत मरुस्थल इसलिए होता क्योंकि वहाँ पर वर्षा नहीं होती। ये जो आपके मैदान बना हुआ है उत्तर का विशाल मैदान, ये भी नहीं होता क्योंकि ये गंगा और उसकी सहायक नदियाँ जो कि हिमालय से बहकर निकलती है उनसे बना हुआ है, तो वो भी नहीं होता, तो इसलिए एक विस्तृत मरुस्थल होता। तो ये चारों बातें सही है, तीनों बातें सही है, डी और सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत विश्व में किस गोलार्ध में स्थित है? ए उत्तरी दक्षिणी, बी उत्तरी पूर्वी, सी उत्तरी पश्चिमी और डी दक्षिणी पश्चिमी। तो दोस्तों, आपको बताएं कि भारत जो है वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगला प्रश्न, भारत का अक्षांश एवं देशांतरीय विस्तार कितना है? ए 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, बी 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से, 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर और सी दोनों और डी कोई नहीं। तो दोस्तों, ये दोनों सही है, ये तो इसका अक्षांश विस्तार की देशांतर विस्तार, तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। और मैं आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ, आपको यह है बताना है कि जो देशांतरीय विस्तार है इसके बीच में कितना अंतर है, मतलब देशांतरीय विस्तारों के दोनों देशांतरों के बीच में कितना अंतर है। अगला प्रश्न, जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान बताना है। ए जनसंख्या में 7वां विश्व में क्षेत्रफल में पहला, बी जनसंख्या में पहला क्षेत्रफल में 6ठा, सी जनसंख्या में पहला क्षेत्रफल में 7वां और डी जनसंख्या में दूसरा क्षेत्रफल में 7वां। तो दोस्तों, करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा आपके डी ऑप्शन, जनसंख्या में दूसरा और क्षेत्रफल में 7वां। अगला प्रश्न, भारत के विस्तार से सत्य कथन नहीं है। ए भारत का क्षेत्रफल 32.9 लाख वर्ग किमी है जो कि संपूर्ण विश्व का 2.47 है, तो ये बात सही है। दूसरा, भारत का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार 32.14 किमी है, जम्मू कश्मीर कन्याकुमारी, ये भी बात सही है। तीसरा, भारत का पूर्व से पश्चिम विस्तार 29.33 किमी है, अरुणाचल प्रदेश से गुजरात, ये भी बात सही है। भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश है। दोस्तों, ये बात गलत है क्योंकि वर्तमान में आप देखोगे तो कितने हैं, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, क्योंकि जो दमन दीव वाला है उसके हिसाब से 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अगला प्रश्न, हिमालय की लंबाई है ए 2400 किलोमीटर, बी 2200 किलोमीटर, सी 5000 किलोमीटर और डी 2500 किलोमीटर। तो दोस्तों, कक्षा 8 की बुक में इसका उत्तर है 2500 किलोमीटर। अगला प्रश्न,
हिमालय कितने भागों में बंटा हुआ है? ए शिवालिक, बी मध्य, सी वृहत और डी सभी। तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा? डी सभी। अब इसके अंदर दोस्तों कक्षा 8 की बुक में इतने ही प्रकार दिए हुए हैं, जो हम बात करते हैं लघु हिमालय या पार हिमालय उनकी जो डिटेल्स है वो इसमें नहीं दी हुई है कक्षा 8 की बुक में, इसमें इतना ही वर्णन है। अगला प्रश्न, माउंट एवरेस्ट किसकी सीमा पर स्थित है? ए भारत पाकिस्तान, बी भारत बांग्लादेश, सी नेपाल तिब्बत, डी भारत भूटान। तो दोस्तों इसके अंदर करेक्ट आंसर है नेपाल और तिब्बत, और आपको बताना है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। अगला प्रश्न, उत्तर का विशाल मैदान में किन नदियों के हिमालय द्वारा लाई गई मिट्टियों से बनाई गई, यानी आपको बताना है कि उत्तर का जो विशाल मैदान है वो किन नदियों के द्वारा जो मिट्टी लाई गई है हिमालय से उसके द्वारा बनाई गई। ए गंगा सतलज, बी गंगा सतलज ब्रह्मपुत्र, सी गंगा सतलज ब्रह्मपुत्र व उनकी सहायक नदियां, और डी कोई नहीं। तो दोस्तों इसके अंदर करेक्ट आंसर सी होगा। आप पूछोगे क्यों? क्योंकि ऊपर वाले ऑप्शन में गंगा और सतलज तो सही नहीं है, दूसरा गंगा सतलज ब्रह्मपुत्र तो वो भी सही है, क्योंकि गंगा सतलज ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां नाम आने चाहिए, उसकी सहायक नदियों द्वारा ये मैदान बनाए गए, तो सी ऑप्शन का एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, खादर क्या है? ए जहाँ पुरानी जलोढ़ मिट्टी बचाई जाती है, बी कंकड़ पत्थर से निर्मित मैदान, सी नवीन मिट्टी पाई जाती है, डी कोई नहीं। तो दोस्तों इसके अंदर खादर जो है वो नवीन मिट्टी पाई जाती है, अगर जलोढ़ पुरानी मिट्टी की बात करें तो ये दोस्तों बांगर होगा, और ये जो कंकड़ पत्थर से निर्मित मैदान है इसको भाबर कहते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा प्राचीन कठोर भौतिक प्रदेश है? ए हिमालय, बी गंगा का मैदान, सी दक्षिण का प्रायद्वीप पठार और डी तटीय मैदान। तो दोस्तों इसके अंदर करेक्ट आंसर होगा सी दक्षिण का प्रायद्वीप पठार। ये भारत का सबसे बड़ा भी है, प्राचीन भी है और कठोर भौतिक प्रदेश है। अगला प्रश्न, प्रायद्वीपीय पठार की विशेषताएं हैं? ए यह त्रिभुजाकार है, बी इसकी उत्तरी सीमा पर विंध्यन पर्वत श्रेणी और उत्तर पश्चिम में अरावली है, सी दक्षिण में नीलगिरी अनामलाई पर्वत स्थित है और डी सभी। तो दोस्तों इसके अंदर करेक्ट आंसर होगा डी सभी। ये तीनों बातें सही है, ये त्रिभुजाकार भी है, इसकी उत्तरी सीमा पर विंध्यन पर्वत और उत्तरी पश्चिम में अरावली भी है, दक्षिण में इसकी नीलगिरी और अन्नामलाई है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा तट पश्चिमी तटीय मैदान का भाग नहीं है? ए काठियावाड़, बी कोंकण, सी उत्तरी सरकार और मालाबार। तो दोस्तों इसके अंदर करेक्ट आंसर होगा उत्तरी सरकार, ये पश्चिमी का नहीं बल्कि पूर्वी का है, पूर्वी के अंदर उत्तरी सरकार और एक आपके कोरोमंडल तट दो शामिल होते हैं, बाकी इसके अंदर काठियावाड़ है, कोंकण है, मालाबार है और एक आपके जो है तट है कन्नड़ तट भी इसमें शामिल है। अगला प्रश्न, वेम्बनाद लेंगून किस तट पर है? ए कोंकण, बी कन्नड़, सी मालाबार, डी काठियावाड़। तो दोस्तों इसके अंदर करेक्ट आंसर होगा आपके मालाबार तट पर। अगला प्रश्न, तटीय मैदान में किस वृक्षों की प्रधानता है? ए केला, बी खजूर, सी नारियल, डी जामुन। तो दोस्तों इसके अंदर करेक्ट आंसर होगा आपके नारियल की। अगला प्रश्न, निम्न में से किस राज्य में थार का मरुस्थल नहीं है? ए राजस्थान, बी हरियाणा, सी गुजरात, डी यूपी। तो दोस्तों इसके अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा यूपी। अगला प्रश्न, अंडमान निकोबार में कितने द्वीप समूह हैं? ए 244, बी 245, सी 246 और डी 247। तो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा 247। लास्ट क्वेश्चन, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर है? ए लक्षद्वीप, बी निकोबार, सी अंडमान और डी बैरन द्वीप। तो दोस्तों इसके अंदर करेक्ट आंसर होगा बैरन द्वीप, और ये बैरन ही ज्वालामुखी इसका नाम है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आज के 20 क्वेश्चन जो मैंने आपको पूछ लिए, और कल हम जो है पढ़ेंगे, कल की प्रश्नोत्तरी रहेगी राजस्थान के सामान्य परिचय पर, यानी कल का जो इसके बाद दूसरा ही पार्ट है उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यह था आज का वीडियो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को आप सभी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, घर रहें, स्वस्थ रहें।